वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिस्कस द कंपोजिशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। उस पर मैंने आपको पढ़ाया भी है, पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आज हमें पढ़ना है, चूंकि मैंने आपसे कहा है कि इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सबसे पहले हम राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, याद रखिएगा, दिस इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। और उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स, इट मीन्स इट्स स्ट्रेंथ इज 250। और उसमें क्या होता है कि 238 रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से मैं आपको बता दूं, क्लियर कर लूं, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस है, टॉप पे प्रेसिडेंट है, उसके अलावा दो हाउसेस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। और चूंकि हम राज्यसभा पढ़ने जा रहे हैं, इसका कंपोजिशन, इसके पावर्स फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, पहले कंपोजिशन को टच करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे राज्यसभा का क्या है। इसके स्ट्रक्चर में 250 मेंबर्स है, और इन 250 मेंबर्स में जो 238 मेंबर्स है वो कहाँ से लिए जाते हैं, स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो स्टेट जितनी बड़ी होगी पॉपुलेशन के लिहाज से, उस स्टेट के उतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में लिए जाते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे सेवन सिस्टर्स की। नॉर्मली छोटी छोटी है, मिजोरम, मणिपुर, गोवा, इन स्टेट्स की हम बात करेंगे तो उसमें एक एक मेंबर लिया जाता है। और जब हम बात करेंगे बड़ी स्टेट्स की, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो 36 मेंबर्स लिए जाते हैं राज्यसभा में। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, ये याद रखिएगा, उस स्टेट की नुमाइंदगी उतनी ज़्यादा राज्यसभा में होती है। अब हो गए 238 मेंबर्स जो कि यूनियन टेरिटरी से लिए जाते हैं और स्टेट से लिए जाते हैं अकॉर्डिंग पर दियर पॉपुलेशन। देन आफ्टर 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद अपॉइंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल सर्विस, वो खुद इनको अपॉइंट करता है। आप हिंदी सिनेमा के बहुत सारे लोगों से वाकिफ होंगे, चाहे जया बच्चन की बात करें, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, चाहे हम हेमा मालिनी की बात करें, बहुत सारे राज्यसभा के मेंबर्स रहे भी हैं या है भी, आगे भी है, तो इस वक्त भी है या इससे पहले भी रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और किस बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, सोशल सर्विस, मदर टेरेसा की हम बात करेंगे, तो इन फील्ड्स में जिन्होंने नुमाइंदगी, कारकर्दगी अच्छी की होगी, उनको नुमाइंदगी मिलती है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो फाइनली मैं कहना चाहूंगी कि इसकी स्ट्रेंथ 250 है, 238 लिए जाते हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, 12 मेंबर्स को खुद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द बेस ऑफ आर्ट, सोशल सर्विस या साइंस, लिटरेचर वगैरह। उसके बाद जो ये मेंबर्स हैं, इनकी टर्म क्या है, इनकी टेन्यूअर क्या है, तो इनके टेन्यूअर की जब हम बात करेंगे, इनके मेंबर्स जो है हर एक मेंबर को 6 साल मिलते हैं। अगर लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा जनरली 5 साल के लिए हाउस में, मतलब उनको मेंबरशिप मिलती है, लेकिन यहाँ के मेंबर्स जो हैं उनको 6 साल का पीरियड मिलता है। और इसमें क्या होता है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। अगर हमारे पास यहाँ पे इस वक्त 83 मेंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके 6 साल हो गए, इसके 4 साल हो गए राज्यसभा में, और इसके हो गए हैं 2 साल। दो दो साल के बाद नए से क्या किया जाता है, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स, जिसके 6 साल हो गए उसको रिटायर किया जाता है, ये आगे जाते हैं, इनको यहाँ पे 5वां साल में इनकी यहाँ शुरुआत होती है, जो यहाँ पे 2 साल में था इसकी 3 साल की शुरुआत हो जाती है, और जिसका पीरियड मुकम्मल हो गया उसको रिटायर किया जाता है। अकॉर्डिंगली क्या होता है कि पूरा का पूरा हाउस डिसॉल्व नहीं किया जाता है, तभी जाके हम कहते हैं इट्स अ परमानेंट हाउस, क्योंकि पूरे हाउस को डिसॉल्व नहीं किया जाता है, ओनली 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो इस तरह से एवरी मेंबर एंजॉयज द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो क्वालिफिकेशन यही है कि सबसे पहले मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया,
हिंदुस्तान का ही बाशिंदा हो, उसके बाद जो भी है कि उसकी एज के बारे में, हमने कहा इंडियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 ईयर्स, ही मस्ट अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स, देन आफ्टर ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी मतलब जॉब ना करता हो उस वक्त, अगर कर रहा था उसको छोड़ना है और उसके बाद उसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और ही मस्ट नॉट बी लुनेटिक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं कि फ्रॉड ना हो, कोई चोर ऐसा कोई शख्स ना हो। उसके बाद चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन की बात करेंगे, चूंकि स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, इस राज्यसभा में इन मेंबर्स के साथ साथ चेयरमैन भी होता है, डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है, जिस तरह से लोकसभा में या स्टेट असेंबलीज में स्पीकर्स होते हैं उसी तरह से, या वहाँ पे हम बात करेंगे डिप्टी स्पीकर होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होता है, और चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन की भी सीट होती है, क्योंकि यू नो समटाइम्स सीट फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन और ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो दैट टाइम डिप्टी चेयरमैन विल होल्ड द चेयर ऑफ डिप्टी चेयरमैन विल होल्ड द चेयर ऑफ चेयरमैन जब तक ना नया कोई अपॉइंट किया जाए। सो वाइस प्रेसिडेंट इज प्रेजेंटली वेंकैया नायडू, ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेजेंटली, उसके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन भी होता है। तो ये जो हाउस है ये परमानेंट हाउस है, याद रखिएगा आप, इनके मेंबर्स जो होते हैं रिटायर होते हैं 6 साल की टर्म के बाद, और हर 2-2 साल के बाद इसका 1/3 जो मेंबर्स हैं उनकी नए से अपॉइंटमेंट भी होती है और नए से रिटायर भी होते हैं। तो ये परमानेंट हाउस है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके पावर्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।